अध्ययन में हम पढ़ेंगे यार विटामिन्स क्या है और विटामिन्स का क्या महत्व है और हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि विटामिन्स में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है। विटामिन बॉडी के लिए आवश्यक है, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो विटामिन्स का देखेंगे हम कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है और यह शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव से हमें रोगों के शिकार हो जाते हैं, नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें कई स्रोतों की आवश्यकता होती है, जैसे घी, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिल्क, ये मछली और मछली का तेल, ये सब चीजों की हमें आवश्यक होती है। अगर ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं रहेंगे तो हमें कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाएंगे हम और हमें कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का। इसके लिए हमें जैसे विटामिन ए की मांग का बताया है कि एक वयस्क व्यक्ति में 5,000 इकाई की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 5,000 यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। 5,000 की यूनिट की करीब आवश्यकता होती है। जैसे दूध 60 ग्राम, पालक 250 ग्राम, लाल टमाटर से प्राप्त की जा सकती है। इसे गर्भवती माताओं के लिए यह अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में विकास में सहायक होते हैं, कार्य में सहायक होते हैं, विटामिन विकास में सहायक होते हैं। इसके सेवन से निरोधक शक्ति उत्पन्न होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर। और इसके अलावा से मनुष्य को रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं और विटामिन से की कमी से त्वचा भी रोगग्रस्त हो जाती है, स्किन के रोग भी हो जाते हैं। तो हमें विटामिन सी की भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता पड़ती है। आगे हम देखेंगे कि विटामिन किन किन स्रोतों से पाए जाते हैं और भी हम देखेंगे, जैसे कि बताया है चित्र में, ये दिया है विटामिन ए काहे काहे में ब्रेड में भी पाया जाता है ना, नट्स में पाया जाता है और बहुत सारे नट्स ऐसे होते हैं, जैसे अखरोट होता है, बादाम भी होता है और बहुत सारे फलों से भी हमें प्राप्त होता है और दूध से भी प्राप्त होता है विटामिन, इलायची आदि से प्राप्त होता है। अब देखेंगे विटामिन के और भी आगे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन बी के बारे में बताया है, अब बताया कि विटामिन बी में भी कई टाइप्स के होते हैं, B1, B2, B6 आदि। इनके भी अलग अलग कार्य हैं कि ये काहे काहे के लिए हमारे स्किन में, कि हमारे बॉडी में, कि हमारे लीवर के लिए या हमारे पूरे शरीर के लिए या रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे विटामिन B1 बताया है, बी कॉम्प्लेक्स, ज्यादातर लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे दिया है कि यह विभिन्न सत्व थायमिन के रूप में पुकारा जाता है और विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। प्राप्ति के साधन में जैसे बताया है कि मटर, सेम, गाजर, लहसुन, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। फिर इसकी मांग प्रतिदिन 2 या 3 ग्राम की आवश्यक होती है। गर्भावस्था में इसकी मांग इससे ज्यादा डबल बढ़ जाती है, जैसे 2 से 4 है ना, वो वेट के हिसाब से ये बढ़ता है। फिर विटामिन बी को रिबोफ्लेविन के नाम से पुकारते हैं। इसकी कमी से व्यक्ति को
मक्खन, काजू, जिगर, टमाटर, नट्स भी, और ये देख रहे होंगे आप, ये ऑयल आदि में पाया जाता है। विटामिन बी। अब विटामिन बी के कार्य क्या क्या होते हैं? जैसे कि विटामिन बी के कमी से बेरा-बेरी रोग हो जाता है और पाचन शक्ति में वृद्धि करता है। यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हृदय संबंधी रोगों से रक्षा करता है। यह वसा युक्त पदार्थों से पाचन में सहायक होता है। फिर शरीर के अंगों में आंतरिक अवयवों को क्रियाशील बनाते हैं। इसके अभाव से चक्कर आते हैं, हृदय की धड़कन होती है और वमन, उल्टियां या पेचिस की शिकायत हो जाती है। कमजोरी के कारण इसकी गति होने लगती है और कभी कभी हाथ पैरों में भी लगवा मार जाता है। काहे की कमी से? विटामिन बी की कमी से। फिर है विटामिन सी। इसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। जैसा कि बच्चों अभी कोरोना चल रहा है, उसमें हमें विटामिन सी की आवश्यकता बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता ज्यादा है। सबसे ज्यादा मात्रा काहे में पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है विटामिन सी की मात्रा। आंवला सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा आंवला में पाया जाता है। एक आंवला 4 नींबू के बराबर विटामिन सी देता है। आप 4 नींबू खा ले या एक आंवला खा ले, उसके बराबर की मात्रा की पूर्ति करता है विटामिन सी। ये जल में घुलनशील है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। इसके जो स्रोत है वो है आंवला, अंगूर, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, हरी सब्जी आदि। बासी फलों की अपेक्षा ताजे फलों में यह अधिक मिलता है और यह ताप को भी अधिक सहन नहीं कर पाता। यह रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है, अस्थियों दांतों में वृद्धि करता है। विटामिन सी की कमी से छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है विटामिन सी की। इसकी कमी से रक्त वाहिनियां कमजोर हो जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं और विटामिन सी अगर भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं तो तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग नहीं हो पाते। तो विटामिन सी की हमको अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियां और रोगों से हम दूर रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मात्रा जो हम बोल रहे हैं आंवला, ये प्रमुख स्रोत है। और कहे में पाया जाता है ये नींबू, संतरा आदि, अमरूद में भी पाया जाता है नींबू, और ये टमाटर में भी होता है विटामिन सी आदि में पाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी की स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है हमारा विटामिन डी का सूर्य, सूरज की रोशनी। फिर अब दिया है कि बताया है विटामिन डी में वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं और हड्डी दांतों को मजबूती बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम की आवश्यकता हमको सबसे ज्यादा शरीर में, ये भी आवश्यक है। इससे सहन, यह ताप को सहन तो करता है और लेकिन शक्ति भी बढ़ाता है और इसकी मात्रा हरी सब्जियों से भी मिलती है। इसकी महिलाओं में कमी से, अगर इसकी कमी होती है महिलाओं में तो ऊपर निकल आती है, कमर झुक जाती है। इसलिए कैल्शियम भी हमारी हड्डियों दांतों के लिए आवश्यक है। फिर विटामिन ई, यह है संतान प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता भी हमें होती है। प्राप्ति के साधन है अंकुरित गेहूं, दूध, अंडे।
सही कहा जाए तो सारे विटामिन अगर तेज आंच में रहेंगे तो उसके पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, चाहे कोई भी विटामिन हो। फिर है विटामिन सिक्स, या बताया है कि के विटामिन के भी होता है। इसकी खोज 1934 में हुई और इसका परीक्षण विटामिन की कमी के कारण रक्त स्राव के रूप में किया गया, क्योंकि रक्त का थक्का इसी के कारण जमता है। हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग होती है वो कहे से कम इसके विटामिन के कारण होती है। विटामिन के रक्त को जमाने के लिए अति आवश्यक होता है। इसकी आवश्यकता गर्भवती माता और दूध पिलाने वाली माता को आवश्यक होती है। प्राप्ति के साधन है टमाटर, आलू, पालक, चोकर, जो गेहूं का होता है चना हुआ आता, उसको ऊपर का छलनी का आटे को चोकर कहते हैं। वह चोकर कैसे प्राप्त होता है? चोकर से विटामिन के प्राप्त होता है और दूध से भी, आलू टमाटर गेहूं पालक आदि से विटामिन के प्राप्त होता है। फिर विटामिन की विशेषताएं क्या है हम देखेंगे। विटामिन अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं। एक बार पके हुए पदार्थ को बार बार आग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। भोजन पकाते समय विटामिन भाप के द्वारा उड़कर नष्ट ना हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर पदार्थों को ढक कर पकाना चाहिए। भोज्य पदार्थ को जिस पानी में पकाया जा रहा है उसे पानी को फेंकना नहीं चाहिए, केवल इतना ही पानी लेना चाहिए कि जितने में वह उबल सके आदि। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और स्किन के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, बीमार है ना, सभी के लिए आवश्यक है।